नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीएच टीवी गाइड, जिस चैनल पे आपको डीटीएच टेक्नोलॉजी, टीवी टेक्नोलॉजी या फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ अपडेट, लेटेस्ट वीडियो या फिर रिपेयरिंग वीडियो मिलता रहता है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज का ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखते रहिए। इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट डीटीएच कंपनी डिश टीवी ने डीडी फ्री डिश पर एक केस किया है और इसके कारण प्रसार भारती के डीडी फ्री डिश बैंड को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अब सवाल ये है कि प्रसार भारती के डीडी फ्री डिश पर डिश टीवी ने केस क्यों किया है, क्या है कारण, इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। इसी टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट डीटीएच कंपनी डिश टीवी ने प्रसार भारती के डीडी फ्री डिश के जो ट्रेडमार्क है, उस ट्रेडमार्क को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस किया है, जिनमें ये कहा गया है कि जो डिश टीवी का जो डिश नाम है वो डिश टीवी ने पेटेंट किया है और डिश टीवी के जो डिश नाम है वो नाम किसी और कंपनी यूज़ नहीं कर सकते हैं। डीडी फ्री डिश में जो डिश वर्ड है उस डिश वर्ड को, डीडी फ्री डिश को हटाना होगा। और दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसार भारती को ये निर्देश दिया है कि 3 महीने के अंदर डीडी फ्री डिश का जो नेम है, जो डिश वर्ड है वो हटा दिया जाए या फिर डीडी फ्री डिश के नाम को चेंज कर दिया जाए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि डीडी फ्री डिश जब पहले स्टार्ट किया गया था 2005 में, तब डीडी फ्री डिश डीडी डायरेक्ट प्लस के नाम से जाने जाते थे। और अगर हाईकोर्ट अपने फैसले पर कायम रहता है तो डीडी फ्री डिश एक बार फिर से अपना नाम बदल सकता है। हालांकि प्रसार भारती ने अभी तक इस बात का कोई भी पुष्टि नहीं किया है कि वो अपना नाम बदलेगा, और उन्होंने साफ साफ ये इनकार भी कर दिया है कि डिश टीवी से वो अपना लोगो नहीं कॉपी किया है। डीडी फ्री डिश के ट्रेडमार्क को लेकर प्रसार भारती का ये कहना है कि डीडी फ्री डिश और डिश टीवी में कोई समानता नहीं है और इसमें किसी के गुमराह होने की कोई संभावना नहीं है। इसमें कहा गया है कि डिश एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग उन उपकरणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो उपग्रह संकेत को प्राप्त करते हैं, और प्रत्येक डीटीएच प्लेटफॉर्म को अपने संकेतों को प्राप्त करने के लिए डिश एंटेना की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रसार भारती के अनुसार डिश एक कॉमन वर्ड है और ये वर्ड किसी भी कंपनी या फिर पब्लिक ब्रॉडकास्टर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ डिश टीवी का ये कहना है कि डिश टीवी एक ट्रेडमार्क है और इस डिश टीवी के जो वर्ड है, खास करके डिश वर्ड है, ये डिश टीवी का निजी ट्रेडमार्क है और इसको दूसरे कोई भी कंपनी या फिर पब्लिक ब्रॉडकास्टर यूज़ नहीं कर सकता है, और अगर ये यूज़ होता है तो ये कानूनन जुर्म होगा। और जहाँ तक डिश वर्ड की बात हो तो डिश टीवी अगर चाहता है कि वो डिश वर्ड को किसी और कंपनी यूज़ ना करे तो हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार डीडी फ्री डिश को डिश वर्ड को अपने नाम से हटाना होगा। और अगर ऐसा होता है तो डीडी फ्री डिश को एक बार फिर से नाम बदलते हुए हम देख सकेंगे। वीडियो के संबंधित और कोई भी ज़्यादा जानकारी अगर आपके पास हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको डीटीएच टेक्नोलॉजी सेट टॉप बॉक्स या फिर डीटीएच इंस्टॉलेशन, सैटेलाइट ट्रैकिंग या फिर टीवी टेक्नोलॉजी, जैसा कि एलईडी टीवी हो, स्मार्ट टीवी हो, सीआरटी टीवी हो, रिपेयरिंग वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट या फिर मोबाइल स्मार्टफोन के न्यूज़ अपडेट या फिर रिपेयरिंग वीडियो मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को यही करते हैं ख़त्म और मिलते हैं अगले वीडियो में।
किसी और नए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।